13 डिब्बे की जो थी वो अलग बट गई थी और 9 डिब्बे की अलग बट गई थी। और दो भागों में एक बड़ी विभाग टूट गई और बड़ी बिहार के बक्सर से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां नई दिल्ली से इस्लामपुर जा रही मगध एक्सप्रेस दो हिस्सों में बंट गई। हालांकि किसी भी प्रकार की क्षति की सूचना नहीं है। घटना बक्सर के ट्विनिंगगंज हाल के पास की बताई गई है। इस घटना की जानकारी जैसे रेल प्रशासन को मिली, हड़कंप मच गया। प्रत्येक इस घटना के बाद दलबल के साथ आरपीएफ इंस्पेक्टर दीपक कुमार वहां पहुंच चुके हैं। जानकारी के मुताबिक मगध एक्सप्रेस की कैपलिंग दो बोगियों के बीच से टूट गई, जिससे यह ट्रेन दो हिस्सों में बट गई। हालांकि इस हादसे में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है और सभी यात्री सुरक्षित बताए गए हैं। डिब्बे की जो थी वो अलग बट गई थी और 9 डिब्बे की अलग बट गई थी, तो दोनों गाड़ियों को बारी बारी से जो है रघुनाथ स्टेशन ले जाया जा रहा है। और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को चोट नहीं है, कुछ नहीं है। गाड़ी कपलिंग खुलने के कारण, जैसे बताया गया मुझे, कपलिंग खुलने के कारण दो भागों में बट गई थी गाड़ी। जान देख सकते हैं मगध एक्सप्रेस डाउन में जो अभी डुमराव से खुली है, जा रही थी रघुनाथ के लिए, पटना के लिए जा रही थी, तब तक ये एसी बोगी और स्लीपर बोगी के बीच में इसका ड्राम टूट गया और दो भागों में एक बोगी विभाग टूट गई। अब बड़ी घटना होते होते बच गया, जिसमें हजारों लोग सवार थे। ये दुर्घटना गाड़ी 50-60 के ऊपर स्पीड में थी। ये टूरीगंज के आगे जो रेलवे क्रॉसिंग है, उसी पर यह घटना हुआ। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।